हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। तो आई होप आपके घर में, सभी के घर में तैयारी चल रही होगी, खुशियाँ आ रही होंगी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने पूरे घर की सफाई करी है, ये देखिए बर्तन वर्तन धो लिया, तो मैंने वो शूट नहीं किया, थोड़ा लेट व्लॉग शूट किया है। तो मम्मी गई हुई है अभी सामान लेने के लिए और कुछ सरप्राइज भी आने वाला है भाई को लेकर के, मतलब शिवा के लिए। तो देखते हैं क्या लाने वाली है आज वो दिवाली वाले दिन। तो अभी कंफर्म नहीं है, वो आपको पता चलेगा, व्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ मैंने मंदिर वंदिर सारा साफ कर लिया है क्योंकि शाम के टाइम पे आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड हो जाता है, और क्राउड बोलो सॉरी काम हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है कि हम प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करें, कुछ ना कुछ हम भूले जाते हैं। तो इसलिए मैंने सारी तैयारी सुबह से ही करने स्टार्ट कर दी, मुझे रंगोली भी बनानी है। तो अभी मैं कपड़े रगड़ने जा रही हूँ ऊपर, और उसके बाद ऊपर की पहले मैं कपड़े रगड़ूंगी, फिर बीच वाले रूम की सफाई करेंगे। तो नीचे की तो ऑलमोस्ट हो चुकी है सारी सफाई, मैंने सारा साफ कर लिया है और ये अलमारी भी मैंने पूरी साफ कर दी है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े रगड़ने के लिए। तो अभी चलते हैं हम ऊपर, क्योंकि वहाँ की भी करनी है मैं सफाई, फिर बीच वाले रूम की भी करनी है सफाई, और रंगोली बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे उसी में लगने वाला है, और फिर शाम को खाना भी बनाना है। बहुत काम होता है दिवाली वाले दिन, पर दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार होता है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि दिवाली का त्यौहार क्यों बनाते हैं, आपको पता है तो बताओ, मैं एंड में बताऊंगी कि क्यों बनाया जाता है दिवाली का त्यौहार। तो गाइस, यहाँ पे मैं कपड़े धोने के लिए आई हूँ और छत की सफाई करने के लिए। तो अभी सारे कपड़े धोने हैं क्योंकि मम्मी ने भिगो के रखे थे सारे कपड़े, तो वो कपड़े भिगोने हैं, मतलब भीगे हुए हैं, मुझे रगड़ने हैं। कल पर्दे उतारे थे तो वो बहुत ज़्यादा गंदे थे, क्यों रगड़ने के लिए मुझे दिए हैं, क्योंकि मैंने लिपस्टिक लगा करके पूरे पर्दे को गंदा कर दिया था। तो इस वजह से मम्मी ने बोला अब ये जो कपड़े हैं वो तू ही रगड़ेगी। तो वो कपड़े रगड़ने आई है, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, कपड़े रगड़ लेती हूँ। तो उसके बाद नीचे के बीच वाले कमरे की सफाई अभी खाली है, और नीचे की तो हो चुकी है, आपने देख लिया है। तो गाइस, मैं कपड़े धो करके नीचे ले आई हूँ और अब जा रही हूँ मैं यहाँ से सारा सामान हटाऊंगी और मशीन लगाऊंगी ताकि ये कपड़े जल्दी से सूख जाए। तो यहाँ मैंने कर दिया मशीन चालू, अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले छत में और सफाई करनी है, सारा सामान फैला हुआ है तो वो समेटना है, प्लस जो टंकी रखी है वहाँ पे भी सफाई करनी है मेरे को। तो ये कृष्णा चढ़ा हुआ ऊपर की सफाई करने के लिए और गंदा सा मुंह बना रखा है इसने, देखिए आ रही हूँ। अरे सारा सामान फैला हुआ है तो ये भी समेटना है, तो पहले कर लेते हैं यहाँ की जल्दी से सफाई। तो दोस्तों, मैंने कर ली ऊपर की सारी सफाई, ये देखिए पूरा साफ कर दिया है मैंने, बाथरूम भी साफ हो चुका है, ऊपर की भी सफाई कर चुके हैं हम यहाँ की भी। तो भाई हो चुका है गंदा, तो छोटा वाला भाई जा रहा है नहाने, तो ये है गर्म पानी उसके लिए। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे की सफाई करने, तो घर भी हो रखा है नीचे वाला गंदा, तो हम इसे भी कर लेते हैं साफ, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ है, देखिए बिस्तर तक भी नहीं समेटा है, झाड़ू तो फिलहाल लगाई दी थी। तो अब यहाँ की सफाई कर लेते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे लेने आए हैं हम फ़ोन, तो हम डिसाइड करके आए हैं नथिंग लेने के लिए, तो नथिंग फ़ोन तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो भैया ने कहा आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी मंगवाता हूँ। तो हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, तो भैया सब देख रहे थे यहाँ पे कि ब्लॉग बना रही हैं। तो नथिंग तो नहीं मिला, पर हम ये आईफोन मिल गया। पहले हम आईफोन ही लेने आए थे, हम दिवाली से पहले एक दो बार आके जा चुके हैं आईफोन लेने के लिए, उस टाइम हमारा ये आईफोन फाइनेंस नहीं हो रहा था, और आज देखिए हम दूसरा फ़ोन लेने आए तो वो तो हमें मिला नहीं, लेकिन जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन शिवा फिर भी आईफोन 14 चाहता था, पर इसको मिला है आईफोन 13, तो कोई नहीं अभी आईफोन 13 से ही काम चला लेते हैं, आगे देखेंगे। तो ये मेरी आईडी पे ही फाइनेंस हुआ है, तो उन भैया ने बोला कि इसको आप ही ओपन कीजिए, तो इसको मैं ओपन कर रही हूँ। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि शिवा को है ना फ़ोन मिलने का ठिकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरे बेटे का ये फ़ोन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मम्मी लेके आ चुकी है गिफ्ट, ये देखिए, ये देखिए वो भाई लेके आ रहा है मेरा फ़ोन। कौन सा लिया? आईफोन ले लिया। तो ये देखिए 13 फोन आ चुका है, और इतने खुशी से सब पागल हो रखे मेरे घर में,
ये देखिए छोटे वाले भाई को। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं मुझे फ़ोन के साथ क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो पहला गिफ्ट है ये अल्ट्रा वॉच, जिसे देख करके कृष्णा बहुत खुश हुआ है क्योंकि ये वॉच कृष्णा ने हथिया लिया है, कह रहा मम्मी ये मुझे चाहिए। और मेरे को मिला है मेरी मनपसंद की चीज़ जो स्क्रैच कूपन में निकला है, होम थिएटर। तो वैसे भी मुझे होम थिएटर की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरा फ़ोन का स्पीकर की आवाज़ बहुत कम है और मेरे को वीडियो बनाने में ये हेल्प करेगी। वैसे लोकल क्वालिटी है लेकिन फ़िलहाल काम चल जाएगा। और इनाम की गिफ्ट की चीज़ें हैं तो आप तो जानते हो कैसी होती है, ज़्यादा बेस्ट नहीं है क्योंकि हमने इसको चला के देखा था बाद में, तो इसमें से कुछ धुआं भी दे रहा था, तो अभी तो स्मेल आ रही है, पता नहीं आगे आती रहेगी कि नहीं। जैसा भी हम इसे रिटर्न भी नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स आप देखिए सोनी का कैसे चेहरा उतर गया, वो चेहरा इसका इसलिए उतर गया क्योंकि पहले सोनी है ना ये फ़ोन लेने गई थी, सोनी पहले आईफोन ही चाहती थी पर आईफोन नहीं ले पाई ये क्योंकि उस टाइम थोड़ा बजट का भी दिक्कत था। और उसके बाद है ना सोनी ने स्कूटी भी ली थी तो हमारी किस्त पहले से ही चल रही थी और बाद में मैंने एक दो कमेटी भी डाली तो लगभग अब हमारी ये कमेटी ख़त्म हो चुकी है, मुश्किल से दो ही कमेटी बची हुई है तो इसलिए वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं सोनी वापस से ले लेगी और सोनी अपना वाला फ़ोन मुझे दे देगी और उसमें साउंड आवाज़ अच्छी है इसलिए वो मुझे दे देगी, वीडियो बनाने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो यहाँ देखिए मैंने किया थोड़ा सा आराम आने के बाद और फिर उसके बाद मैं बनाने बैठ गई रंगोली। और ये रंगोली मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ फ्रेंड्स, और यूट्यूब पे देख देख करके मैंने ये रंगोली स्टार्ट की बनानी क्योंकि मैं कभी कोई स्कूल नहीं गई, कभी मैं कहीं पर भी नहीं गई तो मैंने ये पहली बार ही यूट्यूब पर देख देख के बना रही हूँ। वैसे मुझे ये क्रिएटिविटी का बहुत शौक़ है तो अब मैं जान चुकी हूँ क्रिएटिविटी भी किसे कहते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ पहले शादी से पहले मैं बहुत आर्ट वगैरह बनाती रहती थी, जब भी मैं किसी के यहाँ कुछ देखती थी ना तो घर में बैठ के करने लगती थी पर मुझे कभी कहीं से सीखने के लिए नहीं मिला, बस दूसरे के यहाँ जा करके बस मैं देख लेती थी कि ये किस तरीके से बना, फिर उसके बाद मैं अपनी चीज़ें इकट्ठा करती थी और बनाना स्टार्ट कर देती थी। अभी भी मैं सोच रही हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी का एक चैनल बनाऊँ पर आप लोग जब मुझे सपोर्ट करेंगे इसी चैनल पर तो फिर मैं इसी पर, हो सकता है मैं पहले सोच रही हूँ इसी चैनल पर ही अपना क्रिएटिविटी का आर्ट आपको दिखाना स्टार्ट करूँगी। तो अभी मेरे पास कुछ चीज़ों की दिक्कत है जो मैं क्रिएटिविटी करने में सक्सेसफुल नहीं हूँ, जब मैं हो जाऊँगी तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी, आप लोग मुझे प्यार दुलार दिखाएंगे तो मैं एक नया चैनल स्टार्ट करूँगी, पहले मैं सोच रही हूँ इसी चैनल से उठ जाऊँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको भी दिखाऊँगी कि मेरी ये कैसी बनी है, आप लोग भी मुझे बताइए कि मेरी रंगोली कैसी हुई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग बोलते हैं आप लोग प्यार दिखाते हैं ना तो मेरी भी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है, मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलता है। लेकिन जब आप अपना प्यार दुलार मुझे नहीं दिखाते हैं तो मेरी भी हिम्मत टूट जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं भी सोचती हूँ कंटिन्यू रोज़ वीडियो डालूं पर मैं जिस जगह रहती हूँ मैं वहाँ पर रोज़ वीडियो मत बना तो रोज़ लेती हूँ लेकिन मैं डाल नहीं पाती हूँ। अभी भी देखिए मुझे ये वीडियो मेरी कितनी लेट आ रही है क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डेकबाजे बहुत बजते हैंगे तो यही मुझे दिक्कत हो जाती है। सो फ्रेंड्स कैसी बनाई मैंने रंगोली कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैंने फर्स्ट टाइम रंगोली बनाई है वरना हमेशा सोनी रंगोली बनाती है, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है यूट्यूब पर से देख देख करके कैसी बनाई है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और बताइए कमेंट करके। तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ नहीं तो मैं फिर पूजा के लिए लेट हो जाऊँगी। तो दोस्तों देखिए ये दोनों मेरे बहन भाई रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो तुम दोनों? प्यास लग रही है। तो इसको प्यास लग रही है इसलिए ये दोनों रो रहे हैं। और यहाँ मैंने चढ़ा दिए हैं छोले उबलने के लिए और ये मैंने पकौड़ी के लिए पीस ली है दाल चने की और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो अभी टाइम हो रहे हैं 4:30 हो रहे मतलब, तो मंदिर की पूजा की तैयारी भी करनी है तो इसमें टाइम लग जाता है तो इसलिए इस बारी खाना थोड़ा जल्दी बनाना स्टार्ट कर दें। तो देखिए दोनों भाई रो रहे हैं, क्या निकालना है? हाँ अभी निकालना है, रुक जाओ। तो भाई बोल रहा है स्टील का निकाल लेते क्योंकि मंदिर में चढ़ावा चढ़ेगा। दोस्तों यहाँ हो चुके है सारी तैयारी, ये मैंने बना ली रंगोली और ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी सी थाली तैयार हो चुकी है और ये मेरी मम्मी भी तैयार हो चुकी है, माता रानी के सारे भोग भी तैयार कर लिए हैं, बट अब वेट हो रहा है सिर्फ शिवा का क्योंकि वो गया है अपने कुर्ते का पजामा फिटिंग कराने, तो उस वजह से हम वेट कर रहे हैं, माता रानी भी बैठी हैं तैयार हो करके कि कब मेरी पूजा होगी। देखिए तो ये हमारे भाई आ चुके हैं, दोनों मेरे भाई रेडी हो गए हैं और एक ही मुझसे लड़का मतलब मेरा भाई है, जल्दी तो मेरे दोनों भाइयों ने पहना है कुर्ता। लेट तू आ रहा है
मैं लेट आ रहा हूँ एक घंटे। फ्रेंड्स लक्ष्मी पूजन हो चुकी है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको दो आवाज़ मिलेगी, एक आवाज़ मेरी एक आवाज़ सोनी की। तो सोनी ने भी जब मैं काम कर रही थी तब सोनी ब्लॉग शूट कर रही थी और उसके बाद कुछ मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। तो फ्रेंड्स लक्ष्मी पूजन हो करके सबको प्रसाद वगैरह बांट करके मैं आई हूँ बच्चों के साथ में। बम पटाके बच्चे फोड़ रहे हैं तो मैं उनके साथ में देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि बच्चे जल ना जाए इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी बच्चों के साथ में ज़रूर रहे। तो फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली आप सबको हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो गाइस हम सारे आ चुके हैं, बम फोड़ के, बम तो नहीं मिले थे, नाल मिली थी तो वो भट 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 करके हमने फोड़ी और सबसे ज़्यादा इसने फोड़ी है ना। देखो कैसे शर्मा के बैठे हैं, शर्मा गया लौंडा हमारा। आज तो कुर्ता पजामा पहना है मेरे लौंडे ने। तेरी शादी कब हो गई? मेरी शादी में तो टाइम, देखो दोस्तों मेरे घर वाले ने इतनी जल्दी है भगाने की मुझे, कसम से पता नहीं क्या ही है कि मैंने किसी का क्या खा लिया हो। और ये भी है उनमें से एक, और ये नहीं इनफैक्ट मेरे पड़ोसी भी मुझे भगाना चाहते हैं। बताओ मतलब मैं आज दिवाली के लिए आशीर्वाद लेने गई तो मुझे बोलते हैं कि तेरे जल्दी से रिश्ता हो जाए। बताओ यार कितनी तो सही जल्दी तो बोल रहे, क्या गलत बोल रहे हैं? गलत इतनी जल्दी नहीं जाना, इतनी जल्दी कैसे पीछा छोड़ सकते हो? तो तुम बचपन से छोटी मोटी से खेलते हो, इतनी बड़ी हो गई, अब तू बड़ी हो गई है, अब तेरा जाने का दिन आ गए हैं। अभी टाइम है, अभी थोड़ी इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली, सॉरी होली नहीं दिवाली ऑल ऑफ यू। आपकी दिवाली कैसी गई वो आपको कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। नहीं।